काल रात में मारा सपना के मायने राहुल गांधी जी आया और मैंने आता ही सपना का मायने खेवे लग गया कि सब्जी क्या बनाई है। मैंने कहा साहब आज तो बैंगन गोबर तो बनावे थे। बोला नहीं आप आलू खाओ। मैंने कहा साहब इसे काय फायदो। तो सपना के मायने खेवे लग गया इससे फायदा ये होता है इसको मशीन में डालोगे तो सोना निकलेगा। ऐसी मशीन निर्मित की है। मैं खेवल आगे साहब ये आलू वाली मशीन की बात बंद करो और पहली मैंने वो मशीन का बारे में बताऊ जी के मायने नेहरू परिवार घुसो और गांधी परिवार बनने निकले। तो बोले मैंने थोड़ा टाइम दियो। मैंने टाइम दिया बाद फिर सपना में आ जाओ मैं था को वेट करूंगा। फिर मैंने जाता जाता खेपे लग गया कि पन्ने जी और सब बढ़िया है हालचाल तो बढ़िया है कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने कहा साहब मारा छोटा टाइम पास हो रहे जो लोग हजार पेट भर रहे जो क्यों मारा पेट पर लात मार रहे जो मारो आधो काम तो खही संभाल लिया। आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक वो काम किया है जो आज से पहले किसी विश्व के नेता ने किसी विश्व के प्रधानमंत्री ने नहीं किया और वो है स्वच्छ भारत अभियान के तहत गांव गांव ढाणी में जगह जगह शहर शहर में शौचालय बनवाना। मोदी जी के शौचालय बनाते ही चीन का मायना माच को चीन का लोग सोच में लगे हैं शौचालय बनाए इससे क्या फायदा होता है जाकर अपन इसके ऊपर प्रैक्टिकल करते हैं। घूमता घूमता हमारा गांव का मायना आ गया ऊंचक पूजा करवाइन और मना आता है खेल लगा मेरा दोस्त है ये जो मोदी जी ने शौचालय बनाए इससे अपने को क्या फायदे हैं। मैं चाइना वाला ने खेबे लागो कि फायदा तो है ना घना सारा होते हैं अंग्रेज साहब पर भाई जी जी की सोगन दो चार पाँच सात तो बार की अबार अंडे के अंडे गिना सकता हूँ। बोले कौन कौन से विस्तार से बताइए। तो मैं खेबे लागो साहब शौचालय बनाने से सबसे पहला फायदा तो ये होता है कि अपने को अपने घर से बाहर नहीं जाना पड़ता। बोले वेरी गुड। दूसरा फायदा ये होता है कि इससे अपने गांव का अपने शहर का अपनी डाली का अपनी कॉलोनी का वातावरण भी स्वच्छ और शुद्ध बना रहता है। बोला वेरी गुड। तीसरा फायदा ये होता है अंग्रेज साहब कि अपने को इन्हें हाथ में बोतल और डब्बे भी नहीं पकड़ने पड़ते। बोला वेरी गुड। चौथा फायदा ये होता है अंग्रेज साहब कि अपने पग भी नहीं संधते। बोला वेरी गुड। पांचवा फायदा ये होता है अंग्रेज साहब कि अपने को पेड़ के ओले में भी नहीं बैठना पड़ता। बोला वेरी गुड। छठा फायदा ये होता है अंग्रेज साहब कि अपनी प्रतिष्ठा बनी रहती है। बोला वेरी गुड। और सातवा बोला सातवा फायदा तो ये होता है अंग्रेज साहब। बोले क्या। बोला सातवा फायदा तो ये होता है आदरणीय अंग्रेज साहब। अरे बोला क्या। बोला सातवा फायदा तो ये होता है अंग्रेज साहब कि एक ही जगह बैठा रहो आगे भी नहीं निकलना पड़ता। थैंक यू। आज सभी कार्यकर्ताओं ने शुभकामनाएं विजय श्री हो।